तो आज हम लोग सैंपल पेपर लगाते हैं, क्या क्या सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सबसे बड़े वाले क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना, जो आपके 5 नंबर में आते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में क्या क्या आते हैं, सबसे पहला देखो बच्चों, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ डिस्टेंस पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस एंड अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। किसके बारे में बात कर रहा है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है, देखो ये निकलवा चुके हम लोग, देखो जितना पढ़ा है ना सब सब आपको दिखेगा ए टू जेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, वो जैसे अपना डिराइव किया, और डिराइव करने का अपना अपना तरीका है। अच्छा नेक्स्ट, ये देखो ये भी कराए क्या, 50 इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग, रेडियस आर ऑब्टेंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग हेंस आल्सो सो दैट, सब बता रहे थे क्या। ये भी देखो आया हुआ है बड़े वाले क्वेश्चन, 5 नंबर वाले में क्वेश्चन। अरे बहुत ज्यादा तेजी से चला गया क्या, नीचे गया, बदमाश किस्म का आदमी है भाई, चलो ऊपर चलो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, पढ़ा है, वेरी गुड। उन लोगों को भी बता देना जो लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं कि क्या क्या आता है एग्जाम में, दिखा दे रहा हूँ। यूजिंग गॉस थ्योरम सो दैट मैथमेटिकली फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, बात क्या था क्या, इज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज सेम एज दैट ऑफ, बात किया है बोला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन जीरो क्यों होती है क्या, वही वही है आपके पास। देखो इसी क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा गया है, कितने तरीके से सेम क्वेश्चन को आपके पास पूछा गया है। इसके बाद इसका एक ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए आपके पास, देखो ये ग्राफ बताएं क्या, है ना, ये ग्राफ भी आपके एग्जाम में आया है, हेंस प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेडियस। ये अंदर वाला हो गया, इनसाइड द रेडियस, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता था, जीरो। साथ मैंने इसको ऐसे बनवाया था, अगर याद हो देखे किसी को डायग्राम तो याद है किसी को, मैंने एक स्फीयर ऐसे ले लिया था, आ जा भाई जी, मैंने एक स्फीयर को ऐसे ले लिया था, याद है, इसको रेडियस बोला था, इसके अंदर ये क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ सरफेस पे मैक्सिमम होता है और धीरे धीरे जैसे सरफेस से बाहर जाते हो क्या होता है, डिक्रीज होते चला जाता है, बताया था ना। देखो आगे बढ़ो, स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्लाई द थ्योरम टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, गॉस थ्योरम से आता है, जो बोल रहे थे कि विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम, कृपया उनको बता दीजिएगा ये क्वेश्चन गॉस थ्योरम से पूछा जाता है, विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कल का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसआई यूनिट, सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग गॉस थ्योरम इनफाइनाइटली प्लेन शीट, बात किया था क्या, उसके बाद हमने बात किया हाउ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड शीट पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, अगर एक पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाए एक पे नेगेटिवली चार्ज होता है फील्ड कैसी थी, कहानी ने वो भी समझाया था आपको। सारी कहानी आपको हमने बताया है। फिर देखो अगला, अप्लाई द गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर, ठीक है, अच्छा ये आपके पास सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सरफेस पे आपको निकालना है ना, सरफेस पे हम लोग निकाले थे ई की वैल्यू क्या आती थी, ये पी नहीं होना चाहिए, सिग्मा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्रूफ कराया है, देख लीजिएगा इसको भी, बताया था ना सरफेस पे दो फॉर्मूला आया था स्फेरिकल वाली कहानी, एक आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ये सब आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये सब आपके पास हॉट्स में दिया हुआ है, ये लगाने की कोई जरूरत अभी नहीं है, ये भी कहीं नहीं आया हॉट्स का क्वेश्चन, आ गया तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है भाई साहब, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया है, अरे कराया है याद होगा आपको, एक वो ले लेते थे हम लोग, बताते हैं मैं आपको, देखो देखो याद दिला देता हूँ, याद दिलाता हूँ बच्चों, याद दिलाता हूँ, एक ये याद करो, यहाँ पे क्यूब रखा गया था तो फ्लक्स किससे मिल रहा था, लेफ्ट फेस से और
राइट फेस से क्वेश्चन कराया था, क्यूब को उठा के इसकी जगह मैं सिलेंडर रख दूं तो भी किससे मिलेगा, जल्दी बोलो, लेफ्ट से और राइट से, उसी से आप फ्लक्स निकाल लेंगे, लेफ्ट से फ्लक्स और राइट से फ्लक्स निकाल लेंगे ना। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया, बताया इस टाइप के क्वेश्चन, एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क बताया क्या है ना, टॉर्क वाली कहानी। टॉर्क बताई दिया, वर्क डन बताई दिया ना, क्या था वर्क डन का फॉर्मूला, माइनस का पी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, सारी कहानी। अच्छा एक इसमें क्वेश्चन बढ़िया सा दिख रहा है, डिवाइन, अच्छा टॉर्क वाली तो बात कर ही लिया, ठीक है। अब एक है, व्हाट हैपेंड इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अभी तक तो हम लोगों ने जो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल लगा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो क्या हुआ था, अगर यही फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो क्या होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ एक्सटर्नल पी इज इंक्रीजिंग पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, मतलब क्या है, तब हमने बताया स्पेशल केस के तौर पे, शायद आपको याद भले ही टॉर्क की कहानी, शायद हमने बताया था पी इज इक्वल टू आपके पास होता, सॉरी टाउ इज इक्वल टू होता था आपके पास पी साइन थीटा, अगर पैरेलल होता था मतलब पी और ई एक ही डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू क्या होती थी, जीरो डिग्री, किसी की आत्मा भड़क रही है ना, तो उस समय टॉर्क जीरो आ जाता था। एंटी पैरेलल में टॉर्क कितना हो जाता था, थीटा की वैल्यू कितना होता था 180 डिग्री, उस समय भी टॉर्क कितना होता था आपके पास, जीरो डिग्री हो जाता था, याद आ रहा कुछ, तब बताए हैं। और सर जीरो डिग्री को हमने एक नाम दिया था स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मत। इसमें एक चीज दिख रहा है, व्हाट हैपेंड इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, कौन सा पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट, ये देख रहे थे हम लोग, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा। अच्छा भाई आने दो, आने दो, बहुत स्लो चल रहा है भाई, क्या बात है, ठीक है, कहाँ गई भाई, पी डायपोल वाले हमने बता दिया, इसकी कहानी दिया ही नहीं है क्या आगे कुछ, हाँ टॉर्क निकाला है और वर्क डन निकाला हुआ है, बस बात खत्म, इतने पे छोड़ दिया है, आगे की पेज गायब हो गई, कोई बात नहीं छोड़ते हैं, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। डिफाइन द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस प्रेस इट्स इन वेक्टर फॉर्म एंड पॉइंट आउट, अच्छा देखो एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए टॉर्क, देखिए ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बहुत तगड़ा बन रहा है, आप वेक्टर फॉर्म है, मैंने बताया था टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या था, याद है किसी को, बोलो 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 बोलो, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, देखो ये वेक्टर फॉर्म में भी पूछा गया एग्जाम में। अच्छा अगर ये बोल दे रहा है कि व्हाट हैपेंड इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब अगर ये जो डायपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे तो ये रोटेट कर रहा था है ना, लेकिन अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो ऐसी रोटेशन होगी, ये रोटेशन इररेगुलर होगी है ना, ये रोटेशन कैसी होगी, इररेगुलर होगी, जैसे अगर इस फैन के अंदर, सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, फैन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो बड़ा स्मूथ रोटेशन हो रही है। अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो पंखे की स्पीड कैसी होगी, इररेगुलर रोटेशन होगी, कभी तेज होगी कभी धीरे हो जाएगी, इसका भी जो टॉर्क जनरेट होगा वो कैसा होगा, इररेगुलर होगा, टर्निंग इफेक्ट कैसी आएगी, इररेगुलर आएगी, नंबर में भी हम लोग लिख सकते हैं। बाद अगर हम बात करें आपको, ये था आपके पास पांच नंबर का क्वेश्चन, फिर सबसे खतरनाक इसमें क्वेश्चन आता, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक नंबर वाला, एक नंबर और दो नंबर में, वो भी आप लोग देख लीजिए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू पॉइंट क्यू वन क्यू टू, क्यू वन इक्वल टू क्यू टू, अगर दोनों बराबर हो जाए, प्लॉट करवाए थे याद है, क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू टू, अगर क्यू वन बड़ा है क्यू टू होगा नेगेटिव होगा, देखो ये अच्छा दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, Q1 is greater than Q2 का मतलब, अब हाँ ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी मिला, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन टाइप में उसमें जोड़ हम लोग सकते हैं। हमने तीन कहानियां पढ़ा था, पहला पढ़ा था Q1 is greater than zero, इसका मतलब था चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव से फील्ड लेंस क्या होती है, दूर जाती है, ऐसे हमने पढ़ा, ठीक है।
दूसरा पढ़ा था Q1 इज लेस देन जीरो, इसका मतलब है कैसा होगा चार्ज, नेगेटिव, और नेगेटिव के तरफ फील्ड लाइंस आती है ऐसे, नेगेटिव के तरफ आती है फील्ड लाइंस, ठीक है, बताया था ना, सारे के सारे नोट्स में देखिएगा। तीसरा हमने बताया था Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों आइदर या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, इनका फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अगर Q1 Q2 इज लेस देन जीरो, बताया था क्या, इसका मतलब इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, ऐसे फील्ड लाइन जाती थी, ठीक, यहां तक भी हो गया था। अब इसी में एक क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पे दे दिया बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, कहां गया भाई, बोल रहा है Q1 Q2, देखो यहां पर मैं थोड़ा सिंगल नीचे बोल, ठीक है, क्या बोल रहा है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन इसमें Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है। अब ध्यान से देखना, जो बड़ा है वो फील्ड तू छोटे वाले की तरफ धक्का देगा, भाई जो बड़ा है वो धक्का देगा पक्का, जाहिर सी बात। इसका मतलब ये देखो किसके क्लोज जा रहा है, ये देखो ये डिस्टेंस किसके क्लोज हो रहा है, Q1 के या Q2 के, Q2 के, Q2 छोटा है, Q2 की तरफ धक्का देगा ये फील्ड, ये ऐसे बनता चला जाएगा और उसके करीब चला जाएगा। अगर मैं बोलता हूं यहीं पर Q2 इज ग्रेटर देन Q1, कौन धक्का देता, Q2 धक्का देता, अब ये डिस्टेंस कम हो जाता है ना, ये यहां तक आ जाता है, बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है। ये कच्चा क्वेश्चन यहां पर दिखाई दिया आपको, याद रखिएगा जो बड़ा है वो धक्का लगा के, मतलब एक फोर्स लगा करके डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा एज कंपेयर टू दूसरा, अगर दोनों सेम चार्ज है तब, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन था, आगे बढ़ो, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या है देखो, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस क्यू कैप इन द विसिनिटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को यहां रखा गया प्लस क्यू, ठीक है, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट, एक प्लेट रखा गया है जिसपे कैसा चार्ज आपके पास है, अनचार्ज है, अनचार्ज का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल होगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव जो आपके पास चार्ज होगा अपने इसको बुलाएगा, नेगेटिव को बुला लेगा, और इस वाले फेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, समझ आ रहा है, नेगेटिव को अपने तरफ बुला लेगा और पॉजिटिव वाले को अलग कर देगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में है, 2009 में दिख रहा है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, वो क्लोज लूप फॉर्म क्यों नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव पे जाकर क्या होता है, टर्मिनेट होता है, दैट इज व्हाई इट नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, इफ देयर इज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, अच्छा हाँ एक और बात, कि अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस कहां जाएगी, इनफाइनाइट तक जा सकती है, ऐसे अगर मान लो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा हो सिर्फ प्लस क्यू, बताओ इसकी फील्ड लाइंस कहां जाएगी, कहां टर्मिनेट होगा, पता नहीं कहां टर्मिनेट होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगी, है ना, सिंगल नेगेटिव चार्ज हो तो कहां से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो जाए तो पक्का है कि वो पॉजिटिव से जाकर नेगेटिव पे क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो यही क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ देयर इज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज द फील्ड लाइन स्टार्ट एट इंफिनिटी, पॉजिटिव से तो स्टार्ट होगा लेकिन कहां जाएगा, इंफिनिटी पे जाकर के टर्मिनेट होगा, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, कह सकते हैं इसी वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। Does the charge given to a metallic sphere depends on whether it is hollow, solid, give reason? अच्छा ये तो एक जमाने में सॉलिड वाला एक क्वेश्चन हुआ करता था, उसके लिए क्वेश्चन था, तो अब है भी नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। क्या बोल रहा है कि Does charge given on a metallic sphere depends on whether it is hollow or solid? चार्ज उस पर डिपेंड करेगा कि बॉडी हॉलो है या सॉलिड है, उस पर डिपेंड करेगा क्या, तो आपका आंसर होगा नो, क्यों नहीं, क्योंकि जो चार्ज होता है वो हमेशा कहाँ होता है, आउटर सरफेस पे होता है, इन द इंटीरियर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो, इसी वजह से नहीं करता। ये भी हमने बताया था क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपने लगा चुके हैं, आप लोग को पता होगा शायद, याद होगा,
टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी, दो चार्ज स्फीयर है, एक ए है और एक बी है, बता देगा कुछ, हैव आइडेंटिकल साइज, इस पे चार्ज क्यू ए है और इस पे चार्ज माइनस थ्री क्यू ए है, तो बताओ व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, दोनों को एक बार कॉन्टेक्ट में लाया गया फिर दोनों को अलग अलग हटा लिया गया, दोनों पे चार्ज कितना होगा, पता हो गया टोटल चार्ज का आधा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, माइनस थ्री क्यू ए और क्यू ए माइनस टू क्यू ए, और उसका आधा कर दो तो क्या होगा माइनस क्यू ए, इसका मतलब देखो माइनस क्यू ए जो होगा दोनों पर जो हो जाएगा, ए वाले पर भी और बी वाले पे, समझ में आ गया ना, टाइप का क्वेश्चन हमने बताया था पढ़ाते समय, ऐसा ही यहाँ भी क्वेश्चन है सेम वाला, छोड़ देते हैं, ये भी क्वेश्चन साथ हमने कराया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, बताओ कितना आएगा जल्दी बता दो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितना होगा, फाई की वैल्यू, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना हुआ, टू क्यू माइनस क्यू, क्या बचा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बार बार चार्ज लेंगे क्या, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि गॉस लॉ कहता है जो गॉसियन सरफेस या क्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज है उसका वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल फ्लक्स के बराबर होता है, याद है ना, कराए क्या, चलो अच्छा ये भी हमने क्वेश्चन बताया था, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान देना, बता दे क्या नहीं याद होगा, याद है कि एक इलेक्ट्रिक एक क्यूब है, एक क्यूब के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज इस क्यूब में कितना हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है, गॉस लॉ कहता है टोटल फ्लक्स कितना हो गया जीरो, बात समझ में आ गई कैसे, ये भी हमने कराया है, पलट के देख लीजिएगा, हाँ चलो ये हटाओ, हाँ अब ऐसा, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन साथ हमने कराया है सर्कल वाला, याद है नहीं याद है, देखो देखो आत्माओं पढ़ाते समय इसको मैंने बताया था, जब पढ़ा रहा था तभी कहा था इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, कौन सा कलर ले लूं, लाल 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 अच्छा लगेगा, क्या बोला है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस टू और प्लस टू लोकेटेड एट अ पॉइंट, एक हम कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ये हो गया आपके पास, ये बोल लेते हैं ए कॉमा जीरो और दूसरा है आपके पास ये मान लेते हैं फोर ए कॉमा जीरो, एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो कितना है माइनस टू क्यू और इस पे जो चार्ज है वो कितना है प्लस क्यू, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस टू ए स्फीयर ऑफ रेडियस, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है थ्री ए, थ्री ए कहाँ पड़ेगा, यहाँ कहीं पड़ेगा, ये तो पड़ेगा थ्री ए कॉमा जीरो रेडियस, यहां से आता किसका रेडियस ले लो और एक स्फीयर ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ हो गया, यही समझ में आया भाई, थ्री ए रेडियस हो गया तो रेडियस ये हो गया, बताओ फ्लक्स कितना होगा जल्दी बोल दो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा चार्ज आया सिर्फ माइनस टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बात समझ में आ गई, यस नो, देखो आ गया होगा वही चीज माइनस टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैसे आया, क्योंकि ये कॉमा जीरो यहाँ कहीं होगा, एक सर्कल बनाओगे, ये चार्ज बाहर आ गया, बाहर आ गया गॉसियन सरफेस से बाहर आ गया, तो उसको लेने की जरूरत है क्या, नो सर, समझ में आ रहा है सबको, यस नो, ओए ये भी हमने बताया है, अगर गॉसियन सरफेस का रेडियस कट तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डजंट डिपेंड ऑन द, या गॉस लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज बढ़ा दे घटा दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किस चार्ज, हाँ उस क्लोज सरफेस के, उस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करेगा, ना कि उसके साइज पे, क्वेश्चन पढ़ाते समय बताया था याद है कि नहीं, यस सर, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज, रेडियस बढ़ा दे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज हाँ वो डिपेंड करता है गॉस लॉ, किस पर डिपेंड करता है, चार्ज कितना है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, ना कि उसके रेडियस, तो बोलना भी होगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ गॉसियन, सो इफ द रेडियस इज इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चेंज, ठीक है, अच्छा
एक ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन करा है क्या? अ क्यू चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब, करा है क्यू की जगह वहां शायद 1 माइक्रोन कूलम का करा है। एक क्यूब है, एक क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन फेस, एक फेस से फ्लक्स कितना होगा बता सकते हो? क्या था? 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 5। दो फेस से होता तो क्या होता? 2/6 क्यू बाई कराया क्या? चार फेस से, पांच फेस से, कितने फेस से हो सबके बारे में बात किया था, याद है? वेरी गुड। देखो जो चंदन स्लॉप पढ़ लिया, जितना हमने पढ़ा दिया ना उतने के अलावा तो बोर्ड बेचारा परेशान खुद ही रहता है, हम क्या पूछे क्या ना पूछे, खुद ही चंदन सर इतना पढ़ा देते। देखो ये भी आया है जो हम तुमको बताए थे नाम लेकर के, स्टेबल अनस्टेबल। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और अनस्टेबल को पता लगा लीजिएगा, है ना। बहुत लोग को नहीं पता होगा सर ये स्टेबल क्या होता है, स्टेबल क्या होता है बताओ? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, उस समय टॉर्क 0 होता है, थीटा की वैल्यू 0 को बोलते हैं स्टेबल। अनस्टेबल कब होता है? थीटा की वैल्यू 180, उस समय टॉर्क क्या होता है? 0। 180 का मतलब ई और ई दोनों अपोजिट डायरेक्शन, है ना, और स्टेबल का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन ई और पी, याद है नहीं याद है? बहुत लोग को याद दिलाना पड़ता है। देखो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा की वैल्यू कहाँ गया भाई? एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री, आई लिखा है क्या? आई का मतलब 180 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलते बोलते गर्दन सूख जाएगी, ये सब बनाया है क्या? प्लॉट कर लिया ना, को पता है? अच्छा ये देखो एक क्या बोला, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्ज, Q1 प्लस Q2 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा? देखो हाँ, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? Q1 प्लस Q2 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इस मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? इफ बोथ Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन रिपल्सिव, अगर दोनों सेम चार्ज होंगे तो कैसा होगा? रिपल्सिव। However, if one of these charges is positive and is greater than the other negative charge, the electrostatic force between them is attractive. एक positive हो जाए, एक repulsive हो जाए तो क्या होगा? Attractive. Thus, the nature of force between them is repulsive, attractive. यहाँ पे force कैसा हो सकता है? Repulsive या attractive हो सकता है, depending on the condition. एक positive है कि दूसरा negative है. ये भी question board में आया नहीं है, बस type का ये दिया हुआ है. ये देखो sample paper 2000 question नहीं आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिलेंडर प्रिंटर का सब नहीं आएगा, आया नहीं है, लगाना चाहो तो लगा लेना, सैंपल पेपर मैंने दे दिया है और आते हैं हम लोग थोड़ा सा और दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसी में। अब 3 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है वो भी देख लेते हैं फटाफट, बात नहीं 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, बेटा बात में पीछे ध्यान दो, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2 एज द चार्ज Q, क्यू चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सेल, व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर। अच्छा ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ, ये एनसीईआरटी में भी था क्योंकि मुझे यहाँ बताना था तो मैं एनसीईआरटी में नहीं बोला। देखो एक बात बता देता हूँ, ये आपके पास एक कैविटी है, एनसीईआरटी का एक छोटा सा क्वेश्चन, इसके अंदर मान लो क्यू चार्ज है, इसके आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इस कैविटी में मैंने क्यू चार्ज रखा तो बताओ चार्ज आएगा। अगर मान लेते हैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है, यहां माइनस क्यू तो यहां हो जाएगा प्लस क्यू, बाहर फिर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू, मतलब टोटल चार्ज क्या हो गया? क्यू माइनस क्यू, समझ में आया? इंडक्शन प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। अगर यहां निगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू होता तो सर्फेस पे क्या हो जाता? प्लस क्यू, ये प्लस क्यू तो ये क्या होता? माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या होता? प्लस। आउटर सरफेस में क्या हो जाता? क्यू प्लस क्यू। अब आप लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट, देखो कौन बच्चा बताएगा, बोलो, देख रहे हो इसके सरफेस में यहाँ कैसा है? प्लस क्यू, यहाँ क्या मिला? माइनस क्यू, आउटर सरफेस में क्या हो जाएगा? प्लस क्यू, ऑलरेडी पहले से क्यू पड़ा हुआ था तो टोटल चार्ज कितना हो गया? क्यू प्लस क्यू। अब समझ में आ रहा है? ये एनसीईआरटी का हलवा क्वेश्चन। Write the expression of electric field at a point 3.0। ये सब हम कराए हैं भाई,
एक इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला करा है क्या, कॉर्नर पर रखा गया है, सब देख लीजिएगा ठीक है, साथ ना एक क्वेश्चन हमने कराया हुआ देख लीजिए आप लोग। हाँ ये चलो ये एक क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देखो क्या है। इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज, नीचे आ जा भाई। हाँ चलो क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, याद करो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर याद है, इससे ई का फॉर्मूला क्या आता था, ई इज इक्वल टू आता था लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर, इस वायर के चारों तरफ कौन घूम रहे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ठीक है, एज इट सेंटर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, इन अ सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, इस वायर के जस्ट परपेंडिकुलर से घूम रहा है, डिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। कौन है तो बुला रहा है क्या, है ना, क्या था पाकिस्तान में था तो कोई जाने दो, हिंदुस्तान में कोई आया तो फिर बता देना कोई आया है, कहाँ थे भाई बुलवा दिया सर। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट सेंट कांस्टेंट वेलोसिटी इन द वायर रिड्यूस द एनर्जी, आपको वेलोसिटी पता चल जाए तो सारा काम बन जाए, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv² ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, हमको इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे घूम रहा है इस पे एक फोर्स लग रहा होगा स्टैटिक फोर्स, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लेस किया गया है, तो क्या होगा फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्या, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, कौन घूम रहा है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होगा n इनटू E, n की जगह क्या रखेंगे 1, q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख लेंगे एफ बाई ई, फोर्स की वैल्यू निकालो, फोर्स इक्वल टू क्या होगा स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई, किस पाथ में घूम रहा है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, इक्वल टू क्या होगा mv² / r होगा क्या, यस नो, अब यहीं से हम निकाल लेते दोनों फोर्स को इक्वेट कर लेते हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई इज इक्वल टू mv² r, काइनेटिक एनर्जी निकालना है इस r / से को मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल ई कैपिटल ई r इक्वल टू mv², अब आगे क्या चाहिए 1/2, तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई करके 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर ये पूरा क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया 1/2 ई स्मॉल ई और कैपिटल ई की वैल्यू है वेरी गुड लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ऊपर एक और क्या था आर, आर से आर क्या हुआ कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जल्दी से बता दो क्या आ गया, जल्दी बोलो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मिल गया ई लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, आर से आर हो गया कैंसिल, बात समझ में आ गई यस नो, ये हलवा सा क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन समझ में आया सबको, देख लो यहीं पे सॉल्व, अरे ग्राफ क्या किसके बीच में ग्राफ बोल रहा है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा, तो काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हेड ग्राफ क्या ना, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आपके पास इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने कराया है, जेड एक्सिस और एक जेड पे एक जेड डैश पे था तो निकालो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, टोटल चार्ज क्या है, ये भी मैंने कराया, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन हमने करा ही दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक है ना, यहाँ पे होगा CXI, सॉरी कहाँ गया भाई अंडू कहाँ गया, इसमें ब्रश रबड़ भी नहीं है कटर भी नहीं है, मिटाए कैसे हम, अच्छा इससे चलो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CXi कैप है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है करेक्ट कर लीजिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने साथ क्वेश्चन ये कराया, आप कराया कैसे आपका टोटल फ्लक्स निकाला था, किस फेस से फ्लक्स मिलेगा, सिर्फ लेफ्ट से और राइट से, बाकी ऊपर से नीचे से क्या था प्लस जीरो, कराए हैं वेरी गुड,
टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन दोनों। देखो ये भी कराया था 50x i कैप, बता दो ना वो क्वेश्चन करेक्ट था, थोड़ा सा करेक्ट करा था, ये भी आपके पास आया वो क्वेश्चन है। देखो अब उसके जगह सिलेंडर रख दिया, किसके जगह, ट्यूब की जगह क्या रख दिया, सिलेंडर रख दिया, उसी को फिर सॉल्व कर दिया। देख लीजिएगा, नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। देखो सेम टू सेम है, फ्लक्स कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा, लेफ्ट से मिलेगा, लेफ्ट फेस से और राइट फेस से, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, इधर एरिया वेक्टर इधर काम करेगा, इसमें एरिया वेक्टर इधर काम करेगा, ठीक है, क्लियर है ना। बाकी सब वैसे ही निकालोगे, लेफ्ट फेस का फ्लक्स, राइट फेस का फ्लक्स, दोनों फ्लक्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये भी हमने कराया है, इनफाइनाइटली प्लेन शीट माइनस टू सिग्मा हो, हाँ ये मैंने बता दो ना, दो प्लेट वाली कहानी। अच्छा ये टमाटर वाला था क्या, हम भी कह रहे क्या अड़का रहा, याद होगा दो पे अगर पॉजिटिव चार्ज लिए थे प्लेट्स पे, याद रहा कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सिग्मा था, सिग्मा 1 था, ये क्या था, सिग्मा 2 था। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक पे सिग्मा ले लो और एक पे क्या ले लो, -2 सिग्मा ले लो, सॉल्व कर लो तीनों रीजन में, पता चल जाएगा ना तरीका, समझा दिया था कैसे होता है, यस नो। अगर एक पे सिग्मा एक पे -सिग्मा ले लो, वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है, तो लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन हमने बता दिया सारा टाइप। फिर वही सिलेंडर वाला क्वेश्चन वैसे ही आ गया आपके पास सेम टाइप का, लेफ्ट फेस राइट फेस दोनों निकाल लीजिएगा, कहाँ हो जाएगा, ठीक है। अ थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ चार्ज क्यू ऑन इट्स सरफेस, द पॉइंट चार्ज q/2 इज प्लेस्ड एट द सेंटर सी एंड अनदर चार्ज +2q इज प्लेस्ड आउटसाइड द सेल एट पॉइंट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर एज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक +q रखा गया है, एक यहाँ q/2 रखा गया, और सरफेस पे चार्ज क्या है, q है। क्या बोल रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, बता दो कोई बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें कितना होगा, देखे तो जल्दी से। एक चार्ज इसके अंदर रखा गया है q/2, सरफेस पे है q और बाहर रखा गया है 2q, तो फ्लक्स कितना होगा, क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल चार्ज नेट चार्ज इनसाइड द चार्ज 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल 0, कैसे, मैंने बताया था बच्चों याद करो, सेंटर कुछ भी हो स्फेरिकल शेल है, और शेल के अंदर चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज 0, शेल बोल दिया, शेल नहीं बोला होता ना तो काम गड़बड़ नहीं हुआ होता, क्वेश्चन में क्या बोला, स्फेरिकल शेल, और शेल के अंदर चाहे कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी रख दे, अगर q/2 रखते हैं ना, एक -q/2 भी होगा कहीं ना कहीं, इसके अंदर क्यू नेट कितना हो जाएगा 0, जब क्यू नेट 0 हो गया तो फ्लक्स कितना होगा 0, शेल नहीं बोला होता तो मेरा काम होता, अगर शेल के बजाय सिर्फ ये फिगर दे देता तो बोलता कि यहाँ पे एक चार्ज q/2 रखा गया तो फ्लक्स कितना होगा, है ना, शेल नहीं बोल करके सिर्फ बोलता ये क्लोज फिगर है, गॉसियन सरफेस है, तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली आप ऐसे लिखते हैं कितना q/2 1/0 ऐसे लिख सकते, लेकिन शेल बोल दिया तो पता है भाई शेल के अंदर क्या होता है, नेट चार्ज 0, तो छोटी सी वर्ड पूरा क्वेश्चन आपका गड़बड़ कर सकता है, बर्बाद। मैंने बोला है क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बाकी सब लगा लेंगे A to Z, कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना मैंने बताया है सारा का सारा आप लगा लेंगे, ये भी सब बताया ना, ये वो फलान ढिकान, दो प्लेट्स वाला याद है कि नहीं याद है, हिम्मत करना कि सर भी नहीं, और ये तो अभी दिखाई था, एक पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है, ऐसे ऐसे चलेगा, खड़ा बताए छोड़ देना, पता है ना। एक और है आपके पास शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, 3 नंबर और 2 नंबर में ये दोनों आता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है सबको पता है आपको, ऐसा यूनिट बता दो, देखो ये सब आया हुआ कितने बार, लगातार आया हुआ दिख रहा है क्या, डिपेंड द ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, स्टेबल के बताया, अनस्टेबल के बताया, बताया क्या, सब आपके पास आया हुआ, देखो टू इक्वल पावर, ओह वाह
व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द प्लास्टिक। ठीक है, क्या बोल रहा है? टू स्फेरिकल बॉल है हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज, दोनों में पॉजिटिव चार्ज बराबर बराबर है। ठीक है, कूलम्स आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, तो धागा से लटका दिया गया, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। व्हाट वुड द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन द प्लास्टिक इज इंसर्टेड बिटवीन, अभी अगर प्लास्टिक शीट नहीं है तो क्या करेंगे, चिपकेंगे बहुत तेजी से, इनके पीछे मीडियम आ जाएगा तो फोर्स घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा ना, कैसे पता घटेगा बताओ, क्योंकि बीच में कोई मीडियम आ जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या था हम लोग को याद है, के इज इक्वल टू, याद करो, एफ नॉट अपॉन में एफ एम, एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई के टाइम्स ऑफ एफ नॉट, मतलब उसका जो भी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उसका वन बाई टाइम्स के टाइम्स फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तो क्या है, यहां पे आ जाए वन बाई के टाइम्स, ये क्या बोल रहा भाई, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स फोर्स वर्सेस वन बाई आर स्क्वायर, ये तो हल, फोर्स और वन बाई आर स्क्वायर। अच्छा बताओ, अकॉर्डिंग टू चंदन लॉ देखे किसको पता है, अगर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी हो जाए तो ग्राफ कैसा होगा, ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी हो जाए और ए और बी के बीच में ग्राफ कैसा होगा, कर्व। लेकिन मैं बोलूं ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी है और एक तरफ ए लिख दे एक तरफ लिख दे वन बाई बी, फिर कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना। तो यही क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा, देखो क्या बोल रहा है कि आपको किसके किसके बीच में बनाना है, फोर्स और वन बाई आर स्क्वायर के बीच में, पक्का है वन बाई आर स्क्वायर है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अब उसमें भी बोल रहा है एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है ना, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव और वाई एक्सिस वाला नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में बनेगा जल्दी बताओ, पहला वाला, पहला दोनों पॉजिटिव था, पहला देखो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा वाला क्या है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बात समझ आ गई, स्ट्रेट लाइन लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसआई यूनिट, हो गया काम खत्म करते हैं। शेप और साइज बढ़ाने से कुछ फर्क पड़ने वाला है, गॉस लॉ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये भी हम लोग लगा ही लिए। टू कॉन्सेंट्रिक मैट्रिक्स बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जल्दी से बताओ, बोला टू कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर और दूसरे वाले का कैपिटल आर आर गिवन चार्जेस प्लस क्यू एंड टू सॉरी क्यू वन एंड क्यू टू रेस्पेक्टिवली, मतलब अंदर वाले पे जो चार्ज है वो क्या है, क्यू वन है और बाहर वाले पर क्यू टू है रेस्पेक्टिवली। द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर ऑफ शेल आर इक्वल, ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ शेल आर इक्वल, मतलब यहां पे सिग्मा और यहां पे सिग्मा, दोनों को सिग्मा की वैल्यू क्या है, सेम है, तो क्या रहा, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू, निकाल सकते हो क्या, पहले वाले की अगर बात करें शेल, इसको वन बोल लेते हैं, इसको बोल लेते हैं टू, सिग्मा वन अपॉन में सिग्मा टू, अरे ऐसे याद करो कहा, चलो सिग्मा वन इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा वन अभी ले लेते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, Q1 अपॉन में इसका कैसा है, स्फेरिकल बोल रहा है, स्फेयर है तो इसका बताओ एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा क्या, अच्छा सिग्मा 2, सिग्मा 2 भी सिग्मा ही है, अरे इस वाले के भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बोल रहा है, सिग्मा ही है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम बोल रहा है, तो इसका सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में dQ / dS होता ना, क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा क्यू अपॉन में एरिया कितना हो जाएगा, फोर पाई, रेडियस कितना हो गया, टू आर का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा फोर आर स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, और ये सिग्मा सिग्मा आपस में क्या है, इक्वल है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, और ये क्यू वन हो गया और ये क्यू टू हो गया, क्या कटेगा, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्या मिला जल्दी बताओ तो बच्चों, बोलो बोलो बोलो, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता और ये चीज ऊपर हो जाता, क्या मिलता, वन इज इक्वल टू Q1 अपॉन में Q2 इंटू फोर, ये इधर आ जाता तो 1 बाई फोर इक्वल टू क्या होता, Q1 बाई Q2, समझ में आ रहा है, हलवा था पका के खा लो।
जिसको खाने आता है खा लेना वन भाई। ओ हाँ भाई ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने लगाया था ना, मिला था ना कल हम लोग को, ये एक अच्छा क्वेश्चन मिला था। बस क्या करना था हम लोग, एक और इतना माइक्रन कूलम लेट करना है ना, किया था हम लोग कल ना, लगा लीजिएगा इसको। ये भी वही सेम क्वेश्चन ही आया, देखो 5 माइक्रोन कूलम और 2 माइक्रोन कूलम, कल भी वही था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। हाँ साउंड बेहतरीन। हाँ मम्मी अब हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी आप लोग को जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। एक ये भी हमने बताया था अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, मैंने कराया है, देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक बार पूरे सैंपल पेपर को लगाइएगा, जितना दिया है सारे देखिएगा पे, और जरूर जरूर से लगाइएगा सब लोग, क्योंकि अगर एक बार लगा लेंगे तो भगवान नहीं बनेंगे आप, 2 बार लगाएंगे तो भी भगवान नहीं बनेंगे, अगर 20 बार लगा लेंगे तो थोड़ा सा इंसान बनेंगे, और 20 बार से अगर 30 बार हो गया तो इंसान से ऊपर वाले महान इंसान कहलाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। वेरी गुड, तो कम से कम 30-40 बार आपको लगाना है सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टे होम एंड स्टे सेफ, कल मिलते हैं बच्चों।